क्लास 12 के अंतर्गत आजकल हम लोग मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और आज जो हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे 7.4 वाला अभ्यास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इस अभ्यास में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और जो हम लोग 7.4 पढ़ेंगे उसका नाम होगा कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, जिसमें पहला सूत्र, अगर आपको समाकलन टी एक्स बटा करनी में कहीं भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे तो इसके जगह पर 1/2 ए log x - a / x + a + c, इस रूप में अगर कहीं भी आपको दिखाई दे तो इसके जगह पर आप इतना सूत्र लिखेंगे। सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको कहीं समाकलन इंटीग्रेशन डी एक्स बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे तो 1/2 ए log a + x / a - x + c इतना लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर जो सवाल है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं भी दिखाई दे तो इसके जगह पर 1/a और टेन पे इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी लिखेंगे। उसके बाद से अगर कहीं आपको एक और सूत्र है चार नंबर, कि अगर डी एक्स बटा में करनी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे तो लॉग एक्स प्लस करनी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो चार नंबर सूत्र जो होगा डी एक्स बटा में करनी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस करनी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और अगर कहीं आपको ऐसे इस रूप में सवाल दिखाई दे इंटीग्रेशन डी एक्स बटा करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप इसके जगह पर साइन पे इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी लिखेंगे। देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा सूत्र आप यूज करेंगे, ये वाला पाँच नंबर। तो अगर इंटीग्रेशन डी एक्स बटा करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसके जगह पर साइन पे इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी लिख सकते हैं, और अगर कहीं आपको सिक्स नंबर में इंटीग्रेशन डी एक्स बटा करनी में एक्स स्क्वायर हो प्लस ए स्क्वायर हो तो इसके जगह पर लॉग एक्स प्लस करनी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इतना फार्मूला का यूज करके हम लोग लिखेंगे। तो चलिए, आज का शुरुआत हम लोग क्वेश्चन से करते हैं 7.4 से। तो चलिए प्रश्न, आप देख सकते हैं प्रश्न एक में दिया गया है t 3x^2 / x/6+1 यानी 3x/2 / x/6+1। तो i बराबर जो 3x/2 / x/6+1 dx, जो आप चाहें तो लिख सकते हैं ना। आप एक स्टेप और में बता देता हूँ, बढ़ा लीजिएगा, यहाँ समाकलन का चिन्ह दिखा दीजिएगा और थ्री समाकलन का चिन्ह दिखा करके 3x^2 वैसे ही, और नीचे जो x/6 है तो x/3 लिख कर इसके ऊपर 2+1 लिख सकते हैं। तो x/3 / t मानेंगे जब अवकलन करेंगे तो 3x/2 dx/dt। तो देखिए आई वैसे ही मैंने कहा ना, यहाँ पर x/3 लिख कर इसके ऊपर 2 कर लीजिएगा तो x/3 की जगह पर टी तो ठीक ऊपर 2+1 dt। और आप जब इसका अवकलन करेंगे, अभी सूत्र मैंने आपको बताया, समाकलन करेंगे सॉरी, तो देखिए dt x / x यानी कहीं आपको इतना अवकलन है, समाकलन की जब बात होगी उल्टा होता है तो जहाँ इतना होगा तहाँ 10 inverse t + c, 10 inverse से सही जहाँ t है तहाँ x/3 माने तो x/3 + c बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर दो के पास, दो है 1/1 + 4x² तो माना कि आई बराबर जो सवाल है उसको जरा आप मुझे बताइए 1/2 है कहाँ से आया। तो एक चीज़ मैं समझाता हूँ, ये चार है समझिए, तुम ध्यान देना, चार से इसमें भाग देंगे, चार से इसमें भाग देंगे, चार से चार किन से, ये चार है तो 2/4 तो होना चाहिए, समझिए बात को, 2/2 से गुणा किया गया अंदर गया तो चार, वही 2 आपका है 1/2 यहाँ, तो चार से भाग इसमें दिए, चार से इसमें, तो इसमें तो चार से चार कटा लेकिन 1/4, और यहाँ पर जो है यहाँ पर स्क्वायर छूट गया तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाए 1/2 यहाँ पर डी एक्स, और 1/4 है तो 1/2 के ऊपर 2+x² आप वैसे रखें। आप मुझे बताइए कि अभी आप सूत्र देख रहे थे उसी पर तो है, बस आपको सूत्र पर रख देना है। अच्छा सूत्र क्या होता है, 1/2 log x + 1/4 + x² + c, समझ गए। तो इस तरीके से जो आपका आप चाहे ना 1/2 log, ये चार है लसा लेंगे तो 4x² 4 है तो 2 निकल जाएगा, दूसरे गुण एक्स में करेंगे 2x + 1/4 x² / 2
80 होना चाहिए। तो एक बटा दो लाख दो एक्स प्लस यहाँ पर एक प्लस चार एक्स स्क्वायर और दो बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से आपका बना सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको बना वही ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री के पास चलते हैं। थ्री में दिया है एक बटा कलनी में दो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए, आसान है ना। आप दो माइनस एक्स बराबर टी मान लीजिए, और जब अवकलन करेंगे तो दो का जीरो, एक्स का माइनस डी एक्स और टी का डी टी, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो आई बराबर माइनस समाकलन एक बटा कर्णी में टी स्क्वायर प्लस एक इंटू डी टी। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आगे माइनस लॉग टी कर्णी में टी स्क्वायर प्लस एक प्लस ई, माइनस लॉग टी के जगह पर दो माइनस एक्स प्लस से प्लस आपका रहेगा जो बात दो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक प्लस ई, समझ गए होंगे। लॉग अब आप ये प्लस वाला है देखिए एक बटा दो माइनस एक्स कर्णी में दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, सोचें कैसे हो गया, एक लॉग है और जब एक लॉग है ये गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अभी आप एक सवाल पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, दूसरा पद बटा में दो गुणा करने में पहला पद इसका हो इसका, तो चार बटा में प्रश्न चार वन अपान करने में नौ माइनस पच्चीस एक्स स्क्वायर, तो आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपान नाइन माइनस पच्चीस एक्स स्क्वायर और पाँच एक्स बराबर टी, माना कि पाँच एक्स बराबर टी फायदा होगा पाँच एक्स बराबर टी। तो अवकलन करेंगे तो डी एक्स और एक बटा पाँच, तो आई बराबर एक बटा पाँच और एक बटा थ्री, तो पच्चीस था ना, तो आप इसको चाहें तो पाँच एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे टी पर दो हो जाएगा। और तब हम लोग आगे लिख सकते हैं कि इतना लिखने के बाद आगे जो आपका होगा टी पर दो आ गया और तब आप समाकलन कर देंगे, तो ये एक बटा पाँच ऐसे ही रखेंगे साइन पी इनवर्स, ये जो होगा टी बटा तीन प्लस सी, तो एक बटा पाँच साइन पी इनवर्स जहाँ टी है पाँच एक्स बटा तीन प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पाँच है इसके पास हम लोग चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया थ्री एक्स बटा वन प्लस टू एक्स पर चार है, तो माना आई बराबर समाकलन थ्री एक्स बटा वन प्लस टू एक्स पर चार इंटू डी एक्स, और माना कि यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि जरा एक्स पर दो बराबर टी, केवल एक्स पर दो है, तो अवकलन करेंगे दो एक्स डी टी डी टी एक्स डी एक्स डी टी बटा दो, तो आई बराबर एक बटा दो थ्री डी टी वन प्लस टू टी स्क्वायर और तीन बटा ये जो आप देखते हैं चार, दो आपने कामा ले लिया दो बटा दो से गुणा, तो दो से तो दो इसमें और इस तरीके से तीन बटा चार आपका रहेगा डी टी, और एक बटा कल में दो का स्क्वायर टी पर दो, और आप जानते होंगे तीन बटा चार पहले से है और यहाँ पर तो एक और टेन पे इनवर्स टी टी है और वन अपन करने में टू प्लस सी, तो तीन ऊपर जाएगा प्लस जाएगा तीन करने में तो ऊपर जाएगा, तो तीन बटा दो करने में दो और टेन पे इनवर्स दो करने में एक्स, ये मान रख देंगे सी, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः के पास कदम रखते हैं हम लोग। छः नंबर क्वेश्चन है कहता है कि एक्स पर दो बटा में वन माइनस एक्स पर छः, तो कैसे इसको हम हल करेंगे। तो छः नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको हल करना है, तो आप इंटीग्रेशन समाकलन दिखाएंगे एक्स पर दो बटा वन माइनस एक्स पर छः इंटू डी एक्स, समाकलन एक्स पर दो वन माइनस एक्स पर तीन इसके ऊपर दो इंटू डी एक्स, माना कि एक्स पर तीन बराबर टी रखने पर अवकलन करेंगे तीन आगे तीन एक्स पर दो डी एक्स टी का डी टी, तो एक्स पर दो डी एक्स बराबर एक बटा तीन डी टी, तो आई बराबर एक बटा तीन इंटीग्रेशन डी टी, मान रखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर तो आप डी टी रखेंगे एक बटा तीन डी टी, तो एक बटा तीन रखा गया डी टी रखा गया एक वैसे ही जहाँ एक्स पर तीन रहता है टी टी पर दो, सुनो एक बटा तीन एक बटा दो समझ के बात दो बटा दो से गुणा, और ये एक बटा दो ये होता है लेकिन एक मान तो एक है और लॉग मान में वन प्लस टी बटा वन प्लस टी, इसके ऊपर आप चाहें तो जो एक दिख रहा है इसके ऊपर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, तो तीन दुना छः तीन दुना छः लॉग एक प्लस टी एक माइनस टी प्लस सी, तो एक बटा छः लॉग वन टी के जगह पर एक्स स्क्वायर एक्स पर तीन जो भी माने होंगे प्लस वन माइनस एक्स पर तीन प्लस सी आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सात का पता चलता है। सात नंबर है एक्स माइनस एक बटा करनी में एक्स स्क्वायर माइनस एक, आई बराबर एक्स माइनस एक करनी में एक्स स्क्वायर माइनस एक, आप अलग अलग करेंगे तो एक्स बटा करनी में एक्स स्क्वायर माइनस एक डी एक्स माइनस समाकलन एक बटा करनी में एक्स स्क्वायर माइनस एक इंटू डी एक्स, और आप मुझे बताइए
कितना आसान है, आप इसको T1 इसको T2 कर सकते हैं। तो पहले आप T1 को हल कर लीजिए, I1 को हल करिए, तो आप एक्स बटा करने में इसको हल करके आप इसी में भर दीजिए मानो आंसर। आप नीचे वाला मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर टी, अवकलन जरूर करेंगे जब भी मानते हैं 2x dx dt और x dx 1/2 dt, तो आई बराबर 1/2 समाकलन dt बटा करने में टी 1/2 टी के ऊपर माइनस 1/2 इंटू dt, तो 1/2 टी के ऊपर 1/2 फिर टी के ऊपर 1/2 और C1। तो इस तरीके से आप 1/2 से 2 कैंसिल और टी के ऊपर 1/2 करने में टी प्लस C1 टी के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस एक C1 और I2 जब आप लेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2 कल एम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx लाग एक्स कल एम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू C2। तो इस तरीके से टी बराबर जो आपका मान उसमें भर देंगे, जो यहाँ पर आया है देख रहे हैं यहीं पर आप भर देंगे दोनों मान को, तो भरेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस कल एम एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और इस तरीके से आपका आंसर। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब 8 के पास चलते हैं और 8 नंबर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कहाँ जा रहा है, एक्स पर 2 बटा में कलनी में एक्स पर 6 प्लस ए पर 6, तो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स पर 2 एक्स पर 6 प्लस ए पर 6 dx। आप एक्स पर 2 ऐसे ही देखेंगे जो 6 देख रहे हैं, तो एक्स पर 3 स्क्वायर पर 2 प्लस ए पर 3 स्क्वायर पर 2 और एक्स पर जो आप 2 है उसको ऐसे ही नीचे वाला जो एक्स पर 3 है टी मानेंगे, अवकलन करेंगे 3 आगे जाएगा 3x पर 2 dx टी है तो dt, तो एक्स पर 2 dx 1/3 dt हो जाएगा, तो आई बराबर 1/3 और आप एक्स स्क्वायर dx पर dt और फिर एक्स स्क्वायर का जब एक्स पर 3 है तो टी पर स्क्वायर ई पर 3 2 1/3 लॉग इसको तोड़ेंगे टी 1 प्लस खाली में टी के स्क्वायर प्लस ए पर 6 प्लस सी 1/3 लॉग यहाँ पर एक्स पर 3 प्लस एक्स पर 6 टी है ना, टी पर 3 रखेंगे तो एक्स पर 6 ए पर 6 प्लस सी, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाए। तनी आपको समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 9th के पास भी चलते हैं हम लोग, दिया सेक स्क्वायर एक्स बटा करनी में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, तो माना आई बराबर समाकलन जैसे था वैसे ही, और आप नीचे वाला 10x बराबर टी मानेंगे, तो अच्छा अब इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक टी एक्स बराबर डी टी, तो आई बराबर समाकलन 1/2 करनी में जहाँ 10x है टी पर 2 प्लस 4 इंटू डी टी लाग यहाँ पर टी कल में टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी टी के जगह पर जो आप माने 10x तो लाग 10x प्लस ये करने में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी ऐसा आ जाए। कितना आसान क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करता है, 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो आई बराबर समाकलन 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए आप इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, दूसरा पद इसका रूल होता है दूसरा पद बटा में 2 गुणा करने में पहला पद, तो करनी में एक्स स्क्वायर का एक्स निकल जाएगा, इसका स्क्वायर इस कैंसिल एक का स्क्वायर है ए एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे बस मुझे अच्छा, तो दो है ना एक एक कर दीजिए, तो यहाँ यहाँ से एक एक करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन छूट गया। आप लागू से ही लिखिए एक्स प्लस 1 और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी स्क्वायर समझिए, इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं समझिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। धन्यवाद।